सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी स्मार्ट चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज के वीडियो आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मेरा नाम है विनीत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्मार्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स मेरा नाम है विनीत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्मार्ट यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स चलिए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आप अपने टिकटॉक का आईडी, मतलब आईडी नहीं यार, आपका टिकटॉक का जो वीडियोस है वो कैसे रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता होगा दोस्तों, 5-6 महीने पहले कुछ टिकटॉक बैन हुआ था चाइना की वजह से। तो बैन होते वक्त दोस्तों आपकी सारी वीडियोज़ भी बैन हो गई थी। समझो आप कोई बंदे ऐसे होते हैं कि यार स्टोरेज भरने के लिए, मतलब स्टोरेज भर जाते हैं इसलिए वो बंदे डिलीट कर देता अपनी गैलरी में से और टिकटॉक ऊपर ही रहने देते हैं। लेकिन यार अब तो टिकटॉक डिलीट हो गया, अब वो बेचारे वीडियोस कहाँ से लाएंगे। जैसे मेरी तरह मैं भी डिलीट करके बैठा था सारी वीडियोस, लेकिन जब टिकटॉक डिलीट हुआ तो यार मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि सारी वीडियोस भी चली गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने सारी वीडियोस को वापस ला सकते हैं गैलरी में और किसी दूसरे शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले आपको सर्च मार लेना है प्ले स्टोर पर सुपर वीपीएन। जैसे देख सकते हैं सुपर वीपीएन मैंने सर्च मार लिया। सुपर वीपीएन सर्च मारने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा तो आप ओपन कर लीजिएगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एंड जैसे देख सकते हैं मैं ओपन जैसे कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं, एक मिनट लोड हो रहा है यार, इसे लोड होने देते हैं क्योंकि यार, और देख सकते हैं थोड़ा बहुत बस लोड होने रहेगा। आप देख सकते हैं कनेक्ट बा, आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिख रहा होगा कनेक्ट का, देख सकते हैं मैं कनेक्ट का ऑप्शन आपको शो करवा देता हूँ एंड कनेक्ट कर लेना आपको दोस्तों। कनेक्ट जैसे करेंगे दोस्तों ऐड आ चुका है बीच में, तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ दोस्तों क्योंकि ऐड है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये वीडियो जो ऐड आ चुका है हमारे सामने, तो आप देख सकते हैं कनेक्टिंग और कनेक्ट हो चुका है हमारे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों डिसकनेक्ट का ऑप्शन भी आ रहा है और आप देख सकते हैं कनेक्टेड ऊपर लिखा भी आ रहा है एक बार, आप जैसे देख सकते हैं कनेक्टेड दोस्तों। कनेक्टेड होने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको करना है फिर आपको कर लेना है क्रोम ब्राउजर ओपन। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों क्रोम ब्राउजर को आप ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्तों। सिंपली आपको करना क्या होगा, एक वेबसाइट आपको सॉल्व करनी होगी वीपीएन कनेक्ट करने के बाद। www.tiktok.com आपको एक बार सर्च मार लेना है। मान लेता हूँ टिकटॉक, एक मिनट टिकटॉक, अब देख सकते हैं tiktok.com एंड स्लैश करने के बाद दोस्तों आपको अपना यूज़र नेम सर्च मारना है। दोस्तों आपको जो आपका यूज़र नेम हो जो भी दोस्तों, मतलब जो भी आपका यूज़र नेम हो वही डालना है आपको। जैसे आप देख सकते हैं मैं डाल लेता हूँ @vineet, एक मिनट आप देख सकते हैं विनीत NEET विनीत कुमार। देखिए दोस्तों मैंने अपना यूज़र नेम डाल लिया है एंड ऐसे ही आपको करना है www.tiktok.com लिखने के बाद स्लैश लगाना है। स्लैश के बाद अपना यूज़र नेम लिख देना जो भी आपके टिकटॉक आईडी का यूज़र नेम था। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, सर्च मार देना है। जैसे मैं सर्च मार देता हूँ, देख सकते हो दोस्तों मैंने सर्च मार दिया और मेरी आईडी लोड हो चुकी है। एक मिनट से थोड़ा और लोड होने देते हैं दोस्तों। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरी आईडी अब थोड़ा और वेट ले रही है लोड होने पर। जिससे मेरी आईडी जो है लोड हो चुकी है टिकटॉक की, जबकि यार मैं टिकटॉक चला नहीं रहा हूँ और बैन हो चुका है टिकटॉक। और देख सकते हैं मेरी सारी वीडियोस भी नीचे आ चुकी है, मेरी लाइक्स भी आ चुके हैं, मेरे फॉलोवर्स भी आ चुके हैं कितने थे, मतलब पूरी आईडी आ चुकी है यार। अब देख सकते हैं तो अब दोस्तों आपको वीडियो डाउनलोड करने के लिए करना क्या, मैं एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ उनमें से। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं कौन सी वीडियो चुनूँ, एक मिनट, जैसे मैं ये वाली वीडियो चुन लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों ये वाली वीडियो मैं चुन लेता हूँ। जैसे मैं वीडियो चुन लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं थोड़ा लोडिंग हो रहा है क्योंकि नेट कनेक्शन स्लो है यार। तो आपको सिंपली से करना क्या, शेयर वाले बटन पर क्लिक करना इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों आपको ऐसे ही एक एक करके वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सीधा करना कॉपी लिंक। कॉपी लिंक करने के बाद दोस्तों तो जैसे देख सकते हैं मैं कॉपी लिंक पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, एक मिनट, आप देख सकते हैं कॉपी लिंक, इस पहले कॉपी लिंक पर आपको कर देना है क्लिक। एंड जैसे आप यहाँ का लिंक कॉपी कर लोगे, कॉपी करने के बाद आपको एक नया टैब लेना है। जी हाँ दोस्तों आपको एक नया टैब लेना है। तो एक मिनट मैं ले लेता हूँ नया टैब। तो जैसे देख सकते हैं एक मिनट, तो यार एक बार फिर से टैब लेने के लिए जाता हूँ मैं एंड प्लेस वाले आइकन पर आपको करता है क्लिक। एंड प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपका जो नया टैब है वो क्रिएट हो जाएगा। अपना न्यू टैब क्रिएट होने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आपको सर्च करना है म्यूजिकली डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों आप जैसे मैं सर्च करता हूँ म्यूजिकली डाउनलोड, एक मिनट,
फेसबुक नहीं यार, म्यूजिकली डाउनलोड, म्यूजिकली डाउनलोड जैसे आप सर्च करेंगे म्यूजिकली डाउनलोड तो नीचे सबसे पहली जो साइट आएगी दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहली जो साइट है इस पर आपको करना है क्लिक एंड देख सकते होंगे म्यूजिक डाउनलोड टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इसकी एक और खास बात है दोस्तों अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करते हैं किसी भी वीडियो को वहाँ से मतलब इस वाली साइट से दोस्तों बिना वाटर मार्क के डाउनलोड होगी। जी हाँ दोस्तों बिना टिकटॉक के वाटर मार्क के डाउनलोड होगी, कोई वाटर मार्क नहीं आएगा और बिना टिकटॉक के वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। एंड जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिंपली से पेस्ट कर देना है लिंक पेस्ट करने के बाद तो जैसे कि देख सकते दोस्तों हमारा पेज लोड हो चुका है एंड आपको सिंपली से नीचे जाना दोस्तों। सबसे पहले देख सकते हमारी प्रीव्यू जो वीडियो का फोटो है वो आ चुका है दोस्तों, ये कन्फर्म करने के लिए होता है फोटो। तो देख सकते हैं फोटो हमारा आ चुका है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा कलर लाइट करके जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। एंड देख सकते हैं जो वाली वीडियो हमको डाउनलोड करनी थी उसका आ चुका है फोटो। एंड फोटो आने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है नीचे स्क्रॉल करते जाना है नीचे थोड़ा बहुत और अब देख सकते हैं आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, एक तो है डाउनलोड इन MP4 और एक और है डाउनलोड इन MP4 डायरेक्ट लिंक और तीसरा ऑप्शन है डाउनलोड इन MP3। तो जैसे देख सकते हो दोस्तों डाउनलोड इन MP3 एंड बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या होगा डाउनलोड इन MP4 पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं डाउनलोड इन MP4 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अब जैसे देख सकते हैं थोड़ा वेट ले रहा है मेरा, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो अब जैसे देख सकते हैं अब मेरा वीडियो जो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारा नीचे जो नीचे की तरफ वीडियो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है डाउनलोडिंग फाइल, हम जैसे देख सकते हैं लिखा रहा है एंड यहाँ पर हमारा वीडियो हो चुका डाउनलोड, ओपन का जो सिंबल भी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको मैं गैलरी में जाकर ले रहा कर दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो अभी डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ। जैसे गैलरी में हम आ चुके हैं, गैलरी में आने के बाद एक मिनट यार मैं ऊपर से ही कर लेता हूँ। जैसे देख सकते हैं देख सकते हो दोस्तों मेरा वीडियो जो है वो बहुत प्रॉपरली और बहुत अच्छे से डाउनलोड हो चुका है। एंड देख सकते हैं मैं आपको गैलरी में भी दिखा देता हूँ बार दोस्तों। सबसे पहले मैं दोस्तों इसमें आपको दिखा दूँ कि इसमें कोई वाटरमार्क देखने को नहीं मिला है आपको, जैसे आप देख सकते हैं अब मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ दोस्तों इसमें आखिरी में कोई वाटरमार्क नहीं है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, आखिरी में कोई वाटरमार्क है ही नहीं, देख सकते हैं दोस्तों आखिरी सेकंड्स में कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स यही थी आज की ट्रिक बिना वाटरमार्क के आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। अब आप कहीं पे भी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर स्नैक वीडियो या फिर मैक्स चकाटक या फिर जोश किसी पे भी ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं बिना वाटरमार्क के। दोस्तों बिना वाटरमार्क के अपलोड होगी।